tossed and open, living for the night like it is golden. Yeah, I can't know when I'm never folding. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged and I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged. So welcome back guys to my YouTube channel Sameer Vlogs and आज के समाचार कुछ इस प्रकार है कि आज आप आए हैं सेंट किल्डा मतलब थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया थोड़ा बीच भी जाना भी ज़रूरी है मतलब इतने टाइम तक अपन काम वाम करके थोड़ा इन्जॉयमेंट भी तो ज़रूरी है नहीं है बहुत ज़रूरी है मतलब इन्जॉयमेंट के और अलग ही तरीके लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ा बीच आते हैं और एक ब्लॉग मेरे को पर्टिकुलरली उस पर अलग से बनाना था कि आप जो फैब इंटेक और जो अभी से नवंबर इंटेक में आ रहे हैं उनको क्या क्या सामान इंडिया से लेके आना चाहिए तो यहाँ थोड़े अच्छे नज़ारों के साथ बताते हैं नज़ारे भी दिखाते हैं आप लोगों ने बीच देखा नहीं वो भी दिखाते हैं और जो मैं लास्ट ब्लॉग में बताता था कि सेंट किल्डा में भी अच्छे अच्छे घर हैं तो आपको यहाँ से कैसा व्यू दिखेगा हम वो ही बता देंगे तो आगे के सीन्स अपन देखते हैं आगे फिलहाल मैं थोड़ा इन्जॉय करता हूँ आपको भी कराता हूँ लेट्स गो तो गाइस अब सीन ये है कि अभी तो हम बीच पा रखे हैं सेंट किल्डा वाले जैसे मैंने पहले बताया था कि बीच पा रखे हैं अब जो ज़रूरी बात है वो मैं कर लेता हूँ जैसे कि जो मैंने बताया था जो अब जो लोग आ रहे हैं मतलब फैब इनटेक के लिए और जब नवंबर इनटेक में भी आ रहे हैं डीक के लिए ऑस्ट्रेलिया किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप लोग को क्या क्या सामान लाना ज़रूरी है मतलब क्या क्या आपको इंडिया सामान लेके आना चाहिए जो यहाँ महंगा है जैसे कि आप अब जो फैब में इनटेक में आ रहे हैं या फिर क्योंकि अभी चल रही है यहाँ पर गर्मी है अब जो फैब इनटेक में यहाँ पर आ रहे हैं उनको लेके आने हैं अपने सर्दियों के कपड़े तो आपको भर भर के सर्दियों के कपड़े लेके आने क्योंकि सर्दी चलती है लंबी और सर्दी होती है इंडिया से बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे कपड़े हैं महंगे तो आप अपने सर्दी के जितने भी जैकेट्स वैकेट्स हैं वो सब भर भर के रख लें अब बात आई कि आपको बर्तनों में क्या लेके आना चाहिए था क्योंकि अब आप यहाँ आ रहे तो आपको बर्तन भी लेके आने हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ अगर आप एक कुकर भी यहाँ से लेते हो सिंपल तो कुकर आपको पड़ेगा 80 to 90 dollars का यूट्यूब का मतलब 5,000 to 4,000 आसपास के बीच में कुकर आता है एक सिंपल नॉर्मल तो आप जो नेसेसरी सामान है किचन के वो मैं बता देता हूँ जैसे कि आप ये ले आओ कुकर ले आओ एक थाली गिलास चम्मच और कुकर बड़ा लाए छोटा ना लाए क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और आपको खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने लिए के लिए रेडी टू ईट सामान लिए क्योंकि आप अभी आ रहे हैं और आने के 4 to 5 दिन तक आप सेटल नहीं हो पाएंगे खाने के लिए वो क्या बनाना है क्या नहीं है तो इसलिए आप अपना रेडी टू मेड सामान लिए अपना रेडी टू मेड सामान होगा 4-5 दिन के खाने की आपकी झंझट दूर हो जाएगी कि मैं 4-5 दिन के लिए क्या बनाऊंगा और क्या खाऊंगा तो मैं रेडी टू मेड 10 दिन का लेके आया था तो आप उससे जज मत करें तो आप जितने दिन का लाना चाहें रेडी टू मेड लेके आ सकते हैं तो आपको जो जो चीज़ें उसमें लेनी है आप वो अपने अपने उसमें लिया है इंक्लूड करके तो बर्तनों में आप अपने कुकर लिया है थाली चम्मच गिलास लेके आना होता है वो लिया है एक पैन लिया है एक चाय बनाने का पैन लेके कोई भी सामान छोटा ना लाए लेकिन अपने उसके हिसाब से देखें आपका लगेज कितना अलाउड है उसमें तो आप पेन और ये सब सामान लिया है साथ में और जो चीज़ें लाने की वो हुई कपड़े हो गए अपने बर्तन हो गए अपने और सूटकेस 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं मेरे हिसाब से तो लिमिट में सामान रखें अपने और हाँ एक पासपोर्ट का अपना कवर लिया कि पासपोर्ट आपको अपने रूम में रख के जाना होगा सेफली तो पासपोर्ट का एक अच्छा सा आप कोई बंदोबस्त करके आ सके कोई चीज़ जिससे पासपोर्ट सेफ रहे तो आप पासपोर्ट ही लिया है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको इंडिया से लेके आने हैं वहाँ से प्रिंट करा के वो आपके हैं COE आगे जो इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं बोर्डिंग पास जो फ्लाइट पास का होता है और आपका एक आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी दैट्स इट और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको उतरते इमिग्रेशन में केवल COE पूछते हैं और कोई चीज़ नहीं पूछते और इमिग्रेशन के जो लोगों ने वीडियो डाले हैं कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं इमिग्रेशन पर तो कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछते वहाँ पे कि आप क्यों आए हो क्या पर्पस है मैं आया लैंड हुआ एक फॉर्म था छोटा सा फॉर्म साइन करवाया बस क्या क्या सामान लेके आया हो सिगरेट्स है या नहीं है और टैप आपके पास दवाइयाँ हैं या नहीं है दवाइयों से याद आया कि आपने ज़रूरी दवाइयाँ भी इंडिया से लेके आए हैं लेकिन उसके लिए आपको इंडिया से प्रिस्क्रिप्शन लेके आना पड़ेगा मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन लेके नहीं आ सकते हो किसी ऑथराइज डॉक्टर से आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके आना पड़ेगा
तो दवाइयों में आप पेट दर्द, सर दर्द, जो भी नेसेसरी दवाइयाँ होती है वो लिए हैं, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा, मतलब दो पत्ते इससे ज़्यादा नहीं लाएँ, क्योंकि यहाँ इतने काम आते हैं, लेकिन यहाँ मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है और आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है यहाँ पर अगर कोई दवाई खरीदते हैं। गर्मियों के कपड़े कम रखें क्योंकि वो सस्ते हो जाते हैं, सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन सर्दियों के ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी रहती है। अभी यहाँ गर्मियों का टाइम है और टेम्परेचर जाता है 40-50 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए आपको चाहिए होगी सनस्क्रीन। तो इंडिया से आप सनस्क्रीन भी लें, SPF 50, नोट दैट, SPF 50 लाएँ, उससे कम कोई नहीं लगा कि चलेगा नहीं यहाँ पे आपका। धूप बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे यूवी जो इंडेक्स है 5 या 4 के अप्रॉक्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्किन लाल हो जाती है, तो आप अपना वो भी देख लें क्या लेके आना है, मतलब SPF 50 लेके आए हैं साथ में। तो सेंट किला में अगर आप अपना घर लेते हो तो आपको ये जो व्यू है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये व्यू देखने में मिलेगा, बीच पास में है, लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन और वो सब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो आपको वो चीज़ नोटिस में रखना होगा कि यहाँ घर ले या नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो आपको कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बस वही यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, और ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मेरे को पता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि मेरे पास कमेंट आया था एक वीडियो में कि आप उस पर वीडियो बनाए कि जो अभी फेब और नवंबर टेक में आ रहा हूँ क्या सामान लेके आना चाहिए। सामान में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने बर्तन लिया है, रेडीमेड सामान लिया है, अपनी दवाइयाँ लिया हैं, सर्दी के कपड़े लिए हैं, दैट्स इट। सर्दियों के कपड़े अच्छे मोटे मोटे लाएँ, पतले पतले हैं कि इंडिया से ठंड नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चुभने वाली मतलब एकदम कपा देगी आपको ठंड है। बेडशीट लिया है, तके लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो यहाँ से खरीद सकते हैं। कंबल अम्बल अपने ब्लैंकेट्स हैं, आप वो उठा के लिए हैं, और बस बहुत हो गया। और अभी तो आज मैंने अपनी जॉब से छुट्टी ली क्योंकि आज अपने घर वालों के साथ यहाँ थोड़ा इन्जॉय करना है, अभी से थोड़ा इन्जॉयमेंट बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि काम का है, इसमें आपको ज़रूरी डिटेल्स मिल गई हैं जो लेके आनी चाहिए, तो इसी तरह प्यार बरसाते रहें। अभी 1K है 10K तक पहुँचना है अपन को, फिर आगे और पहुँचना है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो 2 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे और लोगों को नॉलेज मिले। आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मेरे को बताएँ कमेंट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू मेरा पार्क पर डे, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट रब राखा। Of being someone so important, I travel far and wide to fly and sail the water. I want these kids to know that school does fuck all for them. But you should go, you never know what you'll become. 'Cause we're making anybody famous, I'm a motherfucking stay nameless.